फिल्म में विलन के रोल में कौन था, क्या था मिथुन चक्रवर्ती का किरदार, कौन लेगा सीक्वल में उनकी जगह। अगर आप हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहते हैं और हमारी सारी वीडियोस टाइम से देखती हैं, तो आपने ये वीडियो भी जरूर देखी होगी जहां हमने आपको पुरानी फिल्म की अपकमिंग सीक्वल के बारे में बताया था। फिल्म थी साल 1998 में रिलीज हुई गुंडा, जिसे कांति शाह ने निर्देशिका किया था और इसमें मिथुन चक्रवर्ती, मुकेश ऋषि और शक्ति कपूर मुख्य किरदार में। फिल्म बिना किसी स्क्रिप्ट के शूट हुई थी और इसके डायलॉग आज भी काफी मशहूर हैं। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आइए आज इसकी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। कहानी मूल रूप से एक कुली की है जो अपराध के एक देवता और उसके आदमियों और उसके करीबी लोगों को मारकर बदला लेने की कसम खाता है। कहानी एक सीन से शुरू होती है जब दो भ्रष्ट पॉलिटिशियन एक दूसरे को मारने के लिए अपराध की दुनिया के दो बड़े नाम और खुद को गुनाहों का देवता कहने वाले लंबू आटा और बुल्ला को हायर करते हैं। लंबू बुल्ला के एक आदमी को मरवा देता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई की शुरुआत होती है, जिसके बाद बुल्ला लंबू के भाई को मरवा कर हिसाब पूरा करता है। लंबू बुल्ला की बहन का रेप करके उसे मरवा देता है। बुल्ला आखिरकार उसे मारकर लड़ाई जीतने में सफल रहता है। अवंडा वर्ल्ड का इकलौता लीडर बन चुके बुल्ला भाई को भ्रष्ट नेता बच्चू भाई भिगौना उसके दुश्मनों को मारने के लिए हायर करता है। इसके लिए बुल्ला अपने राइट हैंड काला शेट्टी को भेजता है। शेट्टी बहुत से पुलिस वालों के सामने उसका मर्डर कर देता और कोई कुछ नहीं कहता, पर जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, शंकर नाम का एक व्यक्ति उसे पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। तब पता चलता है कि फिल्म का वो मेन हीरो है जो कुली है। वह अपने पुलिस पिता, बहन, गीत और एक पालतू बंदर टिंचू के साथ खुशी से रहता है। उसकी गंगा नाम की एक प्रेमिका भी है जो उससे शादी करना चाहती है, पर शंकर फिलहाल शादी के अलावा बहुत कुछ करना चाहता है। इसके बाद शंकर शिपयार्ड पर बुल्ला द्वारा रखी गई एक लड़ाई में हिस्सा लेकर उसे और गुस्सा दिलाता है, पर उस लड़ाई में खुद के लिए नाम या पैसा जीतने नहीं जाता, बल्कि वो इसलिए जीतना चाहता है ताकि उसका एक साथी अपनी बेटी की शादी करा सके। बुल्ला के आदमी कहां चंद सेकंड में मोड़ कर वह इनाम जीत जाता है। जब शंकर के पिता बुल्ला के गुंडों को दुकानदार से हफ्ता वसूली करने के लिए रोकते, तब वे गुंडे द्वारा पीटे जाते हैं, जिससे शंकर को गुस्सा आ जाता है और वो वहां पहुंचता है और उसके आदमियों को पीट डालता है। अब कहानी में आगे क्या होता है और आखिर ऐसा क्या होता है कि शंकर का पूरा परिवार बिखर जाता है और वह बुल्ला से बदला लेने के लिए निकलता है, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि फिल्म के सीक्वल में शंकर यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के रोल में आज के अभिनेता टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे, जबकि बुल्ला और लंबू आटा के रोल्स में कौन होगा ये भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसे लगी और अगर नहीं देखी है तो क्या देखना चाहेंगे, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।